अच्छा, अब जो है वो हम लोग एक कम्युनिटी डिडक्शन के अंदर ही एक और हम लोग जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग जाते हैं, और वो ये है कि हमारे पास ओवरलैपिंग कम्युनिटीज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू रिकॉल लास्ट लेक्चर के अंदर जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था उसके अंदर ये जो नेटवर्क बना था, ये नेटवर्क जो है ये हमारे पास बड़ा एक आई वुड से कि इस तरह का नेटवर्क था कि इसके अंदर आप अगर सी को जो है वो ए बी के साथ रखते हैं तो ये डी ई एफ इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं बनती, अगर सी को आप डी ई एफ के साथ रखते हैं तो ए बी इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं बनती। तो इसके अंदर अगर हमारे पास इस तरह का कम्युनिटी स्ट्रक्चर हो कि सी जो है वो ए बी के साथ भी आ जाए और सी जो है वो हमारे पास डी ई एफ के साथ भी आ जाए, तो दिस 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 पर्टिकुलर कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज मोर मीनिंगफुल एज कम्पेयर टू समथिंग इन विच यू पुट सी विद आइदर ए बी और डी ई एफ ना। तो ए बी सी अगर आप एक कम्युनिटी बना देते हैं तो डी ई एफ इतनी मीनिंगफुल नहीं है, अगर आप सी डी ई एफ एक बना देते हैं तो खाली ए बी एक इतनी मीनिंगफुल कम्युनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो सी को इन दोनों कम्युनिटीज का हिस्सा बना देते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमारे पास ये दो कम्युनिटीज जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल कम्युनिटीज हमें जो है वो नज़र आती हैं। तो ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर यही होता है कि हम लोगों के पास एक नोड जो है वो मल्टीपल कम्युनिटी से बिलोंग कर सकती है। ज़्यादातर जो आपको कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स मिलेंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे, दैट मीन्स कि उसके अंदर एक नोड जो है वो एक कम्युनिटी से बिलोंग कर सकती है, लेकिन आपको जो है वो कुछ ओवरलैपिंग कम्युनिटीज कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स में मिल जाएंगे, कम काम हुआ हुआ इसके अंदर लेकिन ये कि आपको मिल जाएंगे। इसके अगर हम लोग रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग अपने सोशल सर्कल्स को देखें तो हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, हमारे स्कूल फेलोज होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी अगर रिसर्च के अंदर है साइंटिफिक कम्युनिटी है, कुछ हमारे हॉबी बेस्ड है, क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे हमारे दोस्त हैं या बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, और ये सारे दोस्त हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, इनके अंदर ओवरलैप होता है। हम लोगों की जो हॉबी है वो हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर हमारे स्कूल मेट्स भी हों, एक ही स्कूल में हम लोग जाते हों, कुछ स्कूल मेट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, फैमिली में से हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, यू नो मतलब दे हैव ओवरलैप्स, द कम्युनिटी हैव अ नेचुरल ओवरलैप इन इन रियल लाइफ नेटवर्क्स। अगर आप खाली एक साइंटिफिक कम्युनिटी को देख लें तो आप इसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं ये आपके पास आइसोलेशन में काम नहीं करते कर रहे होते, फिजिस्ट और जो मैथमेटिशियंस हैं उनका ओवरलैप होता है, ठीक है, मतलब अगर आप अपने कायद अजम यूनिवर्सिटी का देख लें तो इसके अंदर मैथ्स के अंदर जो ज़्यादा रिसर्च हो रही है वो अप्लाइड फिजिक्स की हो रही है, जो हमारे पास ये फ्लूइड्स कैसे हमारे पास फ्लो करते हैं उनके डायनेमिक्स के ऊपर जो है वो हमारे पास रिसर्च हो रही है, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो हमारे पास है ब्रांच ही हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स की है, इसी तरह हमारे पास जो है वो बायो और हमारे पास फिजिक्स उसका भी ओवरलैप होता है, बायो फिजिक्स है हमारे पास, इवन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है उसके अंदर हमारे पास है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस आ जाएगी, कंप्यूटर साइंस हमारे पास मैथमेटिशियन से भी ओवरलैप होता है, फिजिक्स से भी होता है, बायोलॉजिस्ट से भी होता है, तो हमें ये ओवरलैप जो है ये नेचुरल लाइफ रियल लाइफ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ये ओवरलैप्स मिलते हैं। और अगर हम लोग एक ऐसा कम्युनिटी डिटेक्शन यूज़ करते हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है, जिसके अंदर हमारे पास एक नोड सिर्फ एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, तो हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। तो हम लोग जो है वो एक दो हम लोग जो है वो ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स देखेंगे, दोनों जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल से हैं और दोनों जो है वो हमारे पास वाइडली जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अंदर से एक जो है वो आपको नेटवर्क एक्स के अंदर जो है वो लास्टमन मिल जाएगा, इसके अलावा मैंने उसकी लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ही देखी, आई कॉन्ट री कॉल के, इसके अलावा हमारे पास जो है वो और कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स हैं या नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास क्लिक पॉपुलेशन है ये डेफिनेटली हमारे पास नेटवर्क एक्स के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है। गेफी के अंदर हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है अवेलेबल नहीं है, जितना मुझे याद पड़ता है इवन उसके एड ऑन्स के अंदर भी जो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो मुझे नहीं मिला, शायद हो लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो जब हम लोग ट्रेडिशनल कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जब क्लिक्स को कहा था तो हम लोगों ने कहा था कि क्लिक्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बट हाउ दे ओवरलैप माइट बी इंटरेस्टिंग। तो
उसी चीज़ को हम लोग आगे लेके चलते हैं। और अगर आप देखें इस एल्गोरिथम को, जब आप देख लेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा एल्गोरिथम है, मतलब ये तो कोई भी सोच सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास बहुत सिंपल से आइडियाज़ होते हैं, लेकिन यू आर द फर्स्ट वन टू थिंक अबाउट दैम। और अगर आप ये जो आपकी बुक्स हैं इनके, अगर आप ऑथर्स को देखें, आप मार्क न्यूमैन को देखें, आप जो आपके पास फर्स्ट बुक है क्लाइनबर्ग है, जॉन क्लाइनबर्ग को देखें, अब इन लोगों के अगर आप इन देखें ना कि इन लोगों ने कौन से मेथड्स प्रपोज किए हैं, हिट्स हब्स एंड अथॉरिटीज कोर्स प्रपोज किया हुआ है, गिरवान न्यूमन मेथड प्रपोज किया हुआ है, ये मॉड्युलैरिटी जो है ये इन लोगों ने प्रपोज की हुई है, बड़े सिंपल सिंपल से आइडियाज़ हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़े यूजफुल हैं ये। एंड दे वर लाइक द फर्स्ट वंस टू प्रपोज दीज मेथड्स, और इन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे इनको पब्लिश किया। जैसे अभी जो हम लोग क्लिक परकुलेशन का एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ पब्लिश इन नेचर। नेचर इज़ लाइक आपके पास जो है वो 100 पब्लिकेशंस आपके पास हो जाएं आम से जर्नल्स की, और 1 पब्लिकेशन जो है वो नेचर की हो जाए, तो उसका नेचर वाली पब्लिकेशन का ज़्यादा वेट होता है। इट इज़ लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव जर्नल, यहाँ पे पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो भी आपके पास जो है वो मतलब अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट फैक्टर, आई थिंक मोर देन 50 इसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा, जबकि कंप्यूटर साइंस के आपके जो स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस के जर्नल्स हैं उसके अंदर आपको 20 से ज़्यादा का इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल नहीं मिलेगा। इन एनी केस जो मैं पॉइंट कह रहा था वो ये था कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रॉकेट साइंस जो है वो आप कोई सोचें कोई बहुत मुश्किल तरीके, मतलब वो एक मुहावरा यूज़ होता है टेढ़ी खीर बनाना ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप टेढ़ी खीर बनाएं। मतलब अगर आपका आपका रिसर्च जो है वो एक सिंपल तरीके से जो है आपका सॉल्व हो सकती है, सिंपल सा एल्गोरिथम है जो जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, देन गो फॉर इट, प्रपोज इट, पब्लिश इट, मतलब इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर वो यूजफुल है और सिंपल है, सिंपल होना इज़ नॉट बैड। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो क्लिक परकुलेशन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इनिशली एक के साइज का क्लिक ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक ऑफ साइज के, के साइज का हम लोग एक क्लिक ले लेते हैं। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक नेटवर्क है और यहाँ पे हम लोग ने 3 साइज का क्लिक ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे किसी, ये जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है ये हम लोगों ने 3 साइज का एक क्लिक ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रोल करेंगे काइंड ऑफ ओवर द नेटवर्क, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक क्लिक लें, जितने भी हमारे पास 3 साइज के क्लिक मिल रहे हैं वो हम लोग ले सकते हैं। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, हम लोग नेटवर्क में जहाँ पे भी हमें 3 साइज के क्लिक्स मिलते हैं वो हम लोग ले सकते हैं। और हम लोगों ने ये कहा था कि क्लिक्स को आइडेंटिफाई करना, तमाम क्लिक्स को आइडेंटिफाई करना नॉन पॉलिनोमियल है, लेकिन एक फिक्स साइज के क्लिक्स को आइडेंटिफाई करना या पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप कहेंगे अपने नेटवर्क के अंदर आपने तमाम के साइज के क्लिक्स निकालने हैं तो आप उसे पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने तमाम 3 साइज के क्लिक्स निकाले तो वो पॉलिनोमियल टाइम में आप कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है के साइज का क्लिक ले लेना है, और फिर आपने क्या करना है, ये आपने कहना है कि ये मेरे पास एक कम्युनिटी है। फिर आपने क्या करना है कि ऐसी नोड्स आपने देखनी है जिनके लिंक्स हों K-1 लिंक्स हों एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के साथ, जो आपने कम्युनिटी आइडेंटिफाई कर ली है उसके साथ अगर K-1 लिंक्स हों तो आप उस नोड को उस कम्युनिटी का हिस्सा बना देते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप इस पर्टिकुलर नोड को देखें तो अब ये जो मैंने रेड कलर की है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग जो हम लोगों ने इनिशियल कम्युनिटी ली थी उसके अंदर हमारे पास ये 3 नोड्स थी, अब इसके हमारे पास 2 एजेस हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, इसके तो वैसे 3 है लेकिन एटलीस्ट जो है वो हमारे पास 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके एटलीस्ट K-1 एजेस हैं एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के साथ, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस नोड को इस कम्युनिटी का हिस्सा बना देंगे। पहले इस कम्युनिटी में 3 नोड्स थी, अब इसमें 4 नोड्स हो गई। अब मुझे ये बताएं कि ये वाली जो नोड है इसको हम लोग जो है वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे या नहीं, जिसके अंदर K की वैल्यू हमारे पास 3 है और किसी एक नोड को कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए K-1 लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 2 लिंक्स होने चाहिए हमारे पास, तो इस रेड नोड को हम लोग जो है इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे या नहीं। सर बना सकते हैं, बना सकते हैं बना क्यों, सकते हैं क्योंकि सर।
इसके तो तीन एजेस है ना, तीन एजेस है हमारे पास, तो ये वाली नोड भी जो है इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ये जो रेड नोड्स हैं ये हमारे पास एक कम्युनिटी बन गई। अब मुझे ये बताएं ये वाली जो नोड है इसको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे या नहीं? सर बना सकते हैं। बना सकते हैं, बनाएंगे। अच्छा, अगर इसको बना देते हैं तो इसको बना सकते हैं या नहीं? इसको भी बना सकते हैं। इसको, नहीं सर इसको, हाँ जी इसको भी बना सकते हैं। इसको, इसको भी बना सकते हैं। इसको, इसके कितने लिंक्स हैं ये जो रेड कम्युनिटी है इसके साथ? सर इसके एक ही लिंक है, एक है, वो वन। हमारे पास के माइनस वन से कम है ना, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे, इसको चेक करेंगे, एक ही लिंक है, इसको नहीं बनाएंगे, इसको चेक करेंगे, एक ही लिंक है, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, तो ये वाली कम्युनिटी हमारे पास यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो ये मैक्सिमम ये नोड्स हैं जो इस कम्युनिटी से, अब ये देखें हम लोगों ने एक क्लिक से शुरू किया था, अगर हम लोग किसी और क्लिक से शुरू कर लेते, इससे शुरू करते तब भी हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते, इससे शुरू करते तब भी हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते। तो द पॉइंट इज यू स्टार्ट विद द क्लिक ऑफ साइज के एंड यू स्टार्ट यू कीप एडिंग नोड्स टू दैट कम्युनिटी इफ द नोड्स हैव एटलीस्ट के माइनस वन थैंक्स टू द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। तो ये हम लोगों ने जब इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे आके हमारे पास क्लिक परकुलेशन जो है वो रुकी। ठीक है, अच्छा फिर हम लोगों ने दूसरा क्लिक शुरू किया, वो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ ये एक नोड है जिसके हमारे पास इस कम्युनिटी से हमारे पास दो लिंक्स बनते हैं, तो ये हमारे पास एक और कम्युनिटी बन गई। इसको हम लोगों ने लेट से यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये नोड है इसके दो लिंक्स हैं, ये नोड है इसके दो लिंक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से हम लोगों ने जब क्लिक परकुलेशन की तो हमारे पास ओवरलैपिंग कम्युनिटीज आ गई। अब ये जो हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है, थोड़ी सी हमारे पास जो पहले एग्जाम्पल ली थी उससे थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल है, इस वाली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये एक नोड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये नोड है, ये दो कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, ब्लू और ग्रीन, और इसी तरह ये एक नोड है, ये भी दो कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, ग्रे और ग्रीन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग हमारे पास कम्युनिटीज आ गई, एक कम्युनिटी ये बन गई, एक कम्युनिटी हमारे पास ये बन गई और एक कम्युनिटी हमारे पास ये बन गई। तो अब ये देखें ये वाली जो कम्युनिटी है, लेट्स से इसको अगर हम लोग ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सी कहते हैं, तो अब हमारे पास ए जो है वो बी से भी ओवरलैप कर रही है, सी से भी ओवरलैप कर रही है, बी और ए ओवरलैप कर रहे हैं, सी और ए ओवरलैप कर रहे हैं, तो अब ओवरलैपिंग कम्युनिटीज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्लिक पॉपुलेशन को यूज़ करते हुए ओवरलैपिंग कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास येलो कम्युनिटी जो है ये हमारे पास ब्लू कम्युनिटी से भी ओवरलैप कर रही है, ग्रीन कम्युनिटी से भी ओवरलैप कर रही है, ग्रीन कम्युनिटी से इवन हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस पे ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तीन ऐसी नोड्स हैं जो हमारे पास ग्रीन कम्युनिटी से भी बिलोंग कर रही है, येलो कम्युनिटी से भी बिलोंग कर रही है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग क्लिक पॉपुलेशन के थ्रू कम्युनिटीज को जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में? अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्लिक पर परकुलेशन की और अगर हम लोग देखें तो इसके हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास इस तरीके से है कि अगर आप ये जो आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क बेसिकली वर्ड्स हैं, हर नोड जो है वो एक वर्ड है। ठीक, और दो वर्ड्स आपस में हमारे पास कनेक्टेड हैं अगर वो हमारे पास सेमेंटिकली रिलेटेड है। जिस तरह अगर हम लोग साइंस की साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट का साइंस से लिंक बनता है, इन्वेंटर से लिंक बनता है, इंटेलिजेंस से लिंक बनता है, आइंस्टाइन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, जीनियस से लिंक बनता है। ठीक है, साइंस का हमारे पास एस्ट्रोनॉमी से लिंक बनता है, एस्ट्रोनॉमी को अगर देखें तो टेलीस्कोप, स्टार, मून, रेज, इनसे हमारे पास जो लिंक बनता है। तो इसके अंदर इस नेटवर्क में आपको बीच में एक सेंटर में इसके एक रेड कलर की नोड नजर आ रही होगी, ब्राइट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्राइट को देखें
तो ब्राइट जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा मीनिंग के अंदर जो है वो आ सकता है, ठीक है, लाइट रिलेटेड वर्ड्स के अंदर आ सकता है, लाइट से रिलेटेड जो हमारे पास वर्ड्स की कम्युनिटी है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है। जैसे अगर हम लोग इसके अंदर ये चार कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर लें, ग्रीन, पिंक, येलो और पर्पल, तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास ब्राइट एंड काइंड ऑफ चारों कम्युनिटीज के अंदर आ जाएगा। एक हमारे पास ये डार्कनेस या ब्राइटनेस, उससे रिलेटेड ब्राइट आ जाएगा। हमारे पास जो है वो कलर्स की ब्राइटनेस होती है, आपको पता है कि ब्राइट आपके पास कलर है, एक आपके पास डल कलर है, तो आपके पास जो है वो कलर से रिलेटेड जो कम्युनिटी है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स जो है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे पास कम्युनिटी है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कि सन जो है वो हमारे पास ब्राइट है, रे हमारे पास ब्राइट है, स्टार्स हमारे पास जो है वो ब्राइट है। फिर हमारे पास जो है वो जो साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड कम्युनिटी में भी आ जाएगा कि हमारे पास एक ब्राइट बंदा है तो हम लोग वो कहते हैं कि वो हमारे पास ब्राइट है, एक बंदा गिफ्टेड है, ब्रिलियंट है। तो अब ये ब्राइट जो है ये सारी कम्युनिटीज के अंदर आ रहा है, सारों के साथ इसके एजेस है। अब इस यहाँ पे अगर हम लोग एक कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज कर रहे होंगे जो हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, इस एक वर्ड को, ब्राइट को जो है सिर्फ एक कम्युनिटी में डाल देगा, ठीक है, विच इज़ नॉट नेचुरल कि आप जो है वो ब्राइट को किसी एक कम्युनिटी में डाल दें, ये तो सारों के साथ बिलोंग कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग कोई ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो उसका हमें ये एडवांटेज होगा कि हम लोग ब्राइट को जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं बाकी सारे कम्युनिटीज़ के साथ, सारी नहीं मतलब मल्टीपल कम्युनिटीज़ के साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है क्लिक्स जो है वो हमारे पास वाई क्लिक परकुलेशन जो है वो वाई इज इट अ गुड मेजर फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन। तो उसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि रैंडम नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास क्लिक्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग, आप ये कह लें कि रफली, इस पे हम लोग बाद में जो है वो कम्युनिटी डिटेक्शन के बाद हम लोग इस टॉपिक पे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास कनेक्शन की क्या है। आप प्रोबेबिलिटी कह लें, रफली आप इसे डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, कि एक रैंडम नेटवर्क हमारे पास कितना डेंस है, आप रफली इसको जो है वो आप कह लें कि ये हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास रैंडम नेटवर्क जो डेंस है। और रैंडम नेटवर्क क्या है कि हमारे पास रोड नोड्स हम लोगों ने ले ली, एन नोड्स ले ली, उसके अंदर रैंडमली हम लोगों ने एजेस जो है वो बनाना शुरू कर दिया। अब हम लोग ये कहते हैं कि रैंडम नेटवर्क के अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि रैंडम नेटवर्क के अंदर क्लिक्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर क्लिक्स एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो क्लिक परकुलेशन का एल्गोरिदम है वो हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स के अंदर भी ओवरलैपिंग कम्युनिटीज निकाल लेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि डेंसिटी हमारे पास कितनी हो रैंडम नेटवर्क की, तो हमारे पास जो है वो उसके अंदर हमें क्लिक्स मिलेंगे। तो अगर के की वैल्यू हम लोग 2 ले लें, 2 का मतलब ये है कि हमारे पास दो नोड्स आपस में कनेक्टेड है, तो हमारे पास अगर रैंडम नेटवर्क की हमारे पास डेंसिटी काइंड ऑफ 1/n से हमारे पास ज़्यादा है, अगर हमारे पास n नोड्स हैं और उसके अंदर जो कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/n से हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, तो हमें बाई क्लिक्स उसके अंदर मिलेंगे। बाई क्लिक्स का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास दो नोड्स हैं वो हमारे पास उसके अंदर कनेक्टेड है। अगर हम लोग इसका क्लिक का साइज हम लोग बड़ा करते हैं, कि एक को हम लोग 3 करते हैं, 3 नोड्स हमें ट्राइड्स जो हैं वो रैंडम नेटवर्क्स में कितने मिलेंगे, तो अगर हमारे पास उसके अंदर जो कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, या इन अदर वर्ड्स मतलब अगर आप इसे डेंसिटी से एसोसिएट कर लें, तो वो अगर हमारे पास कनेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास, अच्छा ये 1/n जो है ना, डेंसिटी 1/n नहीं है, ये हमारे पास कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि दो नोड्स के आपस में रैंडमली कनेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है, डेंसिटी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास उनके कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/√2n से जो है वो हमारे पास के इक्वल है, तो हमें जो है वो उसके अंदर जो है वो हमें 3 क्लिक्स जो है वो हमें मिलेंगे। तो इसे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि के साइज का अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि उसके क्लिक मिल लेंगे हमें क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम लोग इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास एक इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ये वाला जो नेटवर्क है इसके अंदर जो कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी है रैंडमली जो नोड्स को एसोसिएट करना है वो 0.13 है, ठीक है। अगर 3 साइज के क्लिक की हम लोग बात करें तो हमारे पास 20 नोड्स के लिए जो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके पास कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपको उसके अंदर 3 क्लिक्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 3 क्लिक्स जो है वो नहीं मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, 3 क्लिक्स 3 साइज के क्लिक्स मिलेंगे, वो 1/√2n था, ठीक है। तो वो हमारे पास इन 20 नोड्स के लिए
ये 0.16 बनता है। अब अगर हमारे पास नोड्स के रेंडमली आपस में कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.16 से कम होगी तो हमें इसके अंदर थ्री साइज के क्लिक्स जो है वो इतने अबंडेंस से नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये रेंडमली नेटवर्क ड्रॉ किया है तो इसके अंदर हमें थ्री साइज के जो है वो हमें तीन क्लिक्स जो है वो सिर्फ मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सीड करती है 0.16 से तो हमें इसके अंदर मल्टीपल जो है वो हमें थ्री साइज के क्लिक्स जो है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, सो द टेक अवे मैसेज फ्रॉम दिस थिंग इज दैट के हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स के अंदर के साइज के क्लिक्स हमें सिर्फ उस वक्त मिलेंगे जब उनके आपस में कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है, नोड्स के आपस में कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से एक्सीड करेगी। लेट दिस थ्रेशहोल्ड बी पीसी। तो जब हमारे पास पीसी से उसकी कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सीड करेगी तब हमें उसके अंदर के साइज के जो है वो हमें क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जब पी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करती है तो हमारे पास डेंसिटी भी बढ़ती रहती है। तो जब हम लोग पी की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमें जो है वो एक कंप्लीट नेटवर्क मिलता है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर हर नोड से कनेक्टेड होगी जब पी इज इक्वल टू हम लोग 1 कर देते हैं। तो उस सूरत में हमें वो पूरे का पूरा नेटवर्क ही क्लिक होगा और उसके अंदर उससे छोटे साइज के सारे हमें क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने जहन में, जब आपने ये देखना है कि रैंडम नेटवर्क्स के अंदर आपके पास क्लिक्स मिलेंगे या नहीं, तो आपने ये देखना है कि उनके अंदर कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से एक्सीड करेगी और वो थ्रेशहोल्ड क्या है, वो हमारे पास ये थ्रेशहोल्ड है। इस थ्रेशहोल्ड से हमारे पास एक्सीड करेगी तो हमें उसके अंदर के साइज के जो है वो क्लिक्स मिलेंगे। अगर आपने तमाम के तमाम क्लिक्स निकालने हैं एक नेटवर्क के अंदर या आपने मैक्सिमल क्लिक निकालना है तो वो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम में निकलता है। लेकिन अगर आपने के क्लिक्स निकालने हैं वो आप पॉलीनोमियल टाइम में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जब आप ये पॉलीनोमियल टाइम में कर सकते हैं और जो क्लिक पर्कुलेशन है ये हमारे पास के का साइज फिक्स करके फिर हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करता है तो हम लोग जो है वो के ये जो क्लिक पर्कुलेशन ऐसे पॉलीनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स के इसे हम लोग रियल लाइफ के अंदर नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है सी फाइंडर, ये फ्रीली अवेलेबल है। इसका ये है कि आपको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है लेकिन वो लाइसेंस जो है वो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। तो ये आप जो है वो ज़रूर इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर ये है कि ये के की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए जो है वो आपको क्लिक पर्कुलेशन प्ले ओवरलैपिंग कम्युनिटीज जो है वो आपको निकाल के दे देता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है आपको वीएलआईएस भी जो है वो करके दे देता है। और अगर यही काम आपने जो है वो नेटवर्क एक्स में करना हो तो वहाँ पे आपके पास के क्लिक क्लिक कम्युनिटीज़ का आपके पास एक फंक्शन है, उसके थ्रू आप जो है वो क्लिक ओवरलैपिंग कम्युनिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?